कविराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्ये नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। हमने इस ग्रंथ के तीन नाम बताए थे, उनमें से एक नाम दशाध्यायी सूत्र, अर्थात सूत्रबद्ध व्यवस्था से अपने वर्ण विषय को 10 अधिकारों में वर्णन करने वाला ग्रंथ। तत्व 7 है, अधिकार 10 है, तो फिर 7 तत्वों का वर्णन 10 अधिकारों में किस प्रकार विभाजित किया गया? इस जिज्ञासा का समाधान इस प्रकार है कि पहले 4 अधिकारों में जीव तत्व का वर्णन किया गया है, 5वें अधिकार के द्वारा अजीव तत्व का वर्णन किया गया है, 6ठा अधिकार आश्रव सामान्य का वर्णन करता है और 7वां अधिकार शुभाश्रव का वर्णन करता है, 8वें अधिकार में बंद तत्व का वर्णन हुआ है, 90वें अध्याय में संवर और निर्जरा ये 2 तत्व विवेचित हुए हैं और 10वां मोक्ष का वर्णन करने वाला अधिकार है। इस प्रकार 7 तत्व 10 अधिकारों में विभाजित हुए हैं। इस ग्रंथ का मोक्ष शास्त्र यह भी एक नाम है, अर्थात मोक्ष का कथन करने वाला शास्त्र। वस्तुतः देखा जाए तो इसमें मोक्ष मार्ग का कथन हुआ है। अंतिम सूत्र को यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे सूत्रों में मोक्ष मार्ग का वर्णन हुआ है। अतः इसे मोक्ष शास्त्र क्यों कहा जाए, इसका उत्तर देते समय आचार्य अकलंक महाराज ने कहा है, यद्यपि मोक्ष शास्त्र नाम है किंतु मोक्ष के प्रति मत मतांतरों में विप्रतिपत्ति नहीं है, विवाद नहीं है, किंतु मार्ग को लेकर विवाद है, अतः मार्ग का कथन करना ही समुचित है। तो 10वें अधिकार का हम प्रारंभ कर रहे हैं। जीवा जीवा श्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्, इस प्रथम अधिकार में आए हुए सूत्र के द्वारा जिसमें अंतिम निर्देश मोक्ष का किया गया था, उस मोक्ष का वर्णन करने का प्रसंग अब प्राप्त हुआ है, अतः उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। मोक्ष की प्राप्ति से पूर्व नियम से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः सबसे पहले केवल ज्ञान की चर्चा यहाँ की जा रही है। सूत्र है, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होने से च और ज्ञान आवरण दर्शन आवरण, आवरण शब्द 2 जगह लगाना है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होने से केवलम केवल ज्ञान होता है। पहले हम सूत्र पर ही प्रश्न करें कि 4 कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ये सूत्रकार स्वीकार कर रहे हैं। फिर मोह क्षयात ऐसा एक पद रखा है, क्योंकि पद का अर्थ है सुप्तिगंतम पदम,
जिसमें सुबंत होता है, दिगंत होता है, उसे पद कहते हैं। शब्द रूप में जो प्रत्यय लगते हैं उनको सुप प्रत्यय कहते हैं, और धातु अर्थात क्रिया में जो प्रत्यय लगते हैं उसको तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो सुप और तिंग प्रत्यय जिनमें लगे हुए हैं उनको सुबंत और तिगंत कहते हैं। तो जिनमें सुबंत और तिगंत प्रत्यय लगे हुए उनको पद कहते हैं। तो मोक्षयात ये पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के अंत में लिया हुआ क्षयात भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। विभक्ति एक होने से यदि सूत्र बना लेते मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, तो इसमें चकार की आवश्यकता नहीं होती और दो बार क्षयात शब्द प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। सूत्र छोटा हो जाता, समास हो जाता, इस प्रकार सूत्र के सूत्रत्व की रक्षा होती और वर्ण विषय पूरा हो जाता। शिष्य का इस प्रकार का प्रश्न अत्यंत सारगर्भित है, अतः प्रयोजन बताना आवश्यक है। प्रयोजन यह है कि मोहनीय कर्म का क्षय दसवें गुणस्थान में के अंत में होता है और शेष तीन घातिया कर्मों का क्षय बारहवें गुणस्थान के अंत में होता है। अतः दोनों में काल की अपेक्षा अंतर है, गुणस्थानों की अपेक्षा अंतर है, क्षय का क्रम है। अतः उसी क्रम को बताने के लिए, गुणस्थानों के अंतर को बताने के लिए, कारण कार्य व्यवस्था को बताने के लिए क्षयात शब्द दो बार रख करके दो पद बनाने पड़े, अर्थात समास नहीं किया और समूह बनाने के लिए चकार का प्रयोग करना पड़ा, अर्थात चारों का ही विनाश होने पर केवल उत्पन्न होता है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। एक प्रश्न और भी विचारणीय है कि केवलम शब्द का अर्थ क्या करना है। यदि हम आचार्य पूज्यपाद महाराज की टीका पर ध्यान देते हैं तो उन्होंने उत्थानिका में कहा केवल ज्ञानोत्पत्ति कारणम उच्चते, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। और अंत में उन्होंने कहा केवल पर्यायम अप्रतर्क विभूति विशेष मवाप्नोति, और दोनों स्थान पर उन्होंने केवलम शब्द का अर्थ केवल ज्ञान किया है। अब यहाँ पर विचारणीय है क्या केवलम शब्द का अर्थ केवल ज्ञान करना उचित है। तो हम पहले युक्ति देखते हैं। मोहनीय कर्म के अभाव से केवल ज्ञान नहीं होता, यदि हो गया होता तो दसवें गुणस्थान के अंत में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया होता। दर्शनावरण कर्म के अभाव से भी केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि दर्शनावरण कर्म दर्शन गुण का प्रत्यनीक है। दर्शनावरण कर्म के अभाव में केवल दर्शन प्रकट होता है। अंतराय कर्म के अभाव में भी वीर्य गुण की प्राप्ति होती है, न कि केवल ज्ञान की। अब बचा मात्र ज्ञानावरण कर्म, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मोहनीय कर्म के क्षय से सुख, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल दर्शन और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। तो केवलम शब्द का अर्थ होना चाहिए अनंत चतुष्टय, और अनंत चतुष्टय अर्थ न करके टीकाकार यहाँ केवलम शब्द से केवल ज्ञान अर्थ कर रहे हैं, इसमें कुछ तो पूर्णता होनी चाहिए।
मैं जहां तक समझ पाया हूं कि ज्ञान का व्यापार प्रसिद्ध है, दर्शन, सुख और वीर्य चतुष्टय में से जो तीन गुण है इनका व्यापार अप्रसिद्ध है। यदि ज्ञान उस व्यापार को प्रकट ना करे तो उनका व्यापार ज्ञात ही ना हो सके। अतः केवल ज्ञान इस अनंत चतुष्टय में मुख्य है और यही कारण है कि घातिया कर्मों के अभाव से केवल ज्ञान की उत्पत्ति कहने का प्रयत्न आचार्य श्री ने किया है। लेकिन यह केवल ज्ञान जो है वो अभेद नय से कहा गया शब्द है, वहां पर भेद नय से केवल ज्ञान के साथ के अन्य तीन गुण जो कि अविनाभावी है, अर्थात केवल ज्ञान होगा तो केवल दर्शन नियम से होगा, अनंत सुख नियम से होगा, अनंत वीर्य नियम से होगा, तो अविनाभावी होने से एक का ग्रहण करने पर, जैसा कि राजवार्तिक आदि में एक वाक्य आया है, पर्वत नारदवत, पर्वत का ग्रहण करने पर नारद का और नारद का ग्रहण करने पर पर्वत का ग्रहण स्वयं हो जाता है, उसी प्रकार केवल ज्ञान का ग्रहण करने पर दर्शन सुख और वीर्य का ग्रहण स्वयं हो जाता है। अतः अनंत चतुष्टय की कल्पना केवल ज्ञान पर आरोपित करके यहाँ केवलम शब्द से केवल ज्ञान कहा गया है। तो ये अभेदनय से कहा हुआ अथवा उपचरितनय से चार गुणों का एक गुण पर आरोपण करके कहा हुआ वाक्य है, ऐसा जानना चाहिए जिससे कि अर्थ का गांभीर्य रहे। एक प्रश्न और है कि केवल ज्ञान के लिए केवल ये इतने ही कर्म का विनाश आवश्यक नहीं है, इनके अतिरिक्त कर्मों का भी विनाश आवश्यक है, जैसे तीन आयु और 13 नाम कर्म, उनका वर्णन सूत्रकार ने नहीं किया। इसका मूल कारण ये है कि वो इनके साथ स्वयं नष्ट होने वाली प्रकृतियां हैं, तो चकार से अनुक्त का भी ग्रहण होता है, अतः उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि कर्मों के क्षय की व्यवस्था क्या है। उसका उत्तर यह है कि कोई भी भव्य सम्यक दृष्टि जीव अपने परिणामों की विशुद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है और वह चौथे, पांचवे, छठे अथवा सातवें गुणस्थान में से किसी एक गुणस्थान में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये तीन प्रकार के दर्शन मोहनीय कर्म, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोक, ये चार प्रकार के चारित्र मोहनीय कर्म, ऐसे सात प्रकार के कर्मों का विनाश करके क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है और क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर वो क्षपक श्रेणी चढ़ने के अभिमुख होता है। अर्थात सात प्रकृतियों का क्षय कोई चौथे गुण स्थान में करता है, कोई पांचवे में करता है, कोई छठे में करता है और कोई सातवें में करता है। सातवें में जब वो पहुंचता है तो अधप प्रवृत्त करण को प्राप्त होता है, फिर अपूर्व करण को करता है और अपूर्व करण नाम के आठवें गुण स्थान को प्राप्त होता है। नवीन पर्यायों की विशुद्धि के द्वारा पाप कर्मों की स्थिति को, पाप कर्मों के अनुभाग को क्रुश करता है, पुण्य कर्म की स्थिति को और पुण्य कर्म के अनुभाग को बढ़ाता है और इस प्रकार वो नवे गुण स्थान को प्राप्त होता है। वहां पर वो आठ कषायों का नाश करता है, वेदों का नाश करते समय नपुंसक वेश त्रिवेद का नाश करता है, फिर 6-9 कषाय का पुवेद में संक्रमण करके नाश करता है, फिर पुरुष वेद को क्रोध संज्वलन में परिवर्तित करके नाश करता है, क्रोध संज्वलन को मान संज्वलन में संक्रमित कर देता है, मान संज्वलन को माया संज्वलन में संक्रमित करता है और माया संज्वलन को लोभ संज्वलन में बादर कृष्टि के द्वारा संक्रमण करता है और फिर
लोभ को इतना सूक्ष्म करता है कि वो दसवें गुणस्थान को प्राप्त होता है। दसवें गुणस्थान में अर्थात सूक्ष्म सांप्रा नामक गुणस्थान में मोहनीय कर्म का निर्मूल नाश करता है और बारहवें में पहुंचता है। क्षपक श्रेणी वाला जीव ग्यारहवें गुणस्थान में प्रवेश नहीं करता है। अब बारहवें में जाकर के बारहवें गुणस्थान के उपांत समय अर्थात एक समय से पूर्ववर्ती अंतिम समय से एक समय पूर्ववर्ती समय उसको कहते हैं अंत्य समय कहेंगे अंतिम समय को और उपांत समय कहेंगे उसके पहले के समय को। तो उस समय में निद्रा और प्रचला ये दर्शनावरण कर्म की दो प्रकृतियों का क्षय करता है और फिर अंतिम समय में पांच प्रकार के ज्ञानावरण चार प्रकार के दर्शनावरण और पांच प्रकार का अंतराय इस प्रकार 14 प्रकार के कर्मों का विनाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मों के क्षय का क्रम है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय हुआ और फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है मोक्ष किसे कहते हैं। आचार्य श्री स्वयं इसका समाधान प्रदान कर रहे हैं। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु का अभाव होने से एक और निर्जरा होने से दो। जो कृष्ण कृष्ण अर्थात संपूर्ण मंगलाचरण में आया था विश्व तत्वानाम और विश्व का अर्थ हमने किया था संपूर्ण। यहाँ आया है कृष्ण कृष्ण का अर्थ भी होता है संपूर्ण। एक बार कृष्ण शब्द और भी आया था हमें पांचवे अधिकार में धर्मा धर्मयो कृष्णे। तो यहाँ संपूर्ण अर्थ में तो संपूर्ण कर्मों का अत्यंत विनाश होने को विप्रमोक्ष का अर्थ है अत्यंत विनाश होने को मोक्ष कहते हैं। वस्तुतः कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः इतना ही मोक्ष का लक्षण है। अब वो कृष्ण कर्म का विनाश होने का मार्ग क्या है तो पहला मार्ग है बंध हेतु का अभाव और दूसरा मार्ग है निर्जरा। तत्वार्थ सूत्र के आठवें अधिकार में बंध हेतु की चर्चा करते समय हम पढ़ चुके हैं मिथ्यात्वा विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये पांच प्रकार के बंध हेतु हैं। उन पांचों प्रकार के बंध हेतु का अभाव होने से तथा कर्मों की निर्जरा होने से संपूर्ण कर्मों का विनाश होता है और उस विनाश को ही मोक्ष कहते हैं। अब इसमें एक जानने योग्य बात यह है कि कर्म का अभाव दो प्रकार से होता है, एक यत्न साध्य कर्माभाव दूसरा अयत्न साध्य कर्माभाव। यत्न अर्थात प्रयत्न साध्य अर्थात साधने योग्य। जिन कर्मों का अभाव करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है उन्हें कहते हैं यत्न साध्य और जिन कर्मों का अभाव करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता उन्हें कहते अयत्न साध्य। अब आप देख लीजिएगा कि आयु दो प्रकार की है, एक भुज्यमान आयु एक बद्यमान आयु। बद्यमान आयु के लिए आयु के त्रिभाग वगैरह की व्यवस्था है जिसको हम कभी और समझने का प्रयत्न करेंगे और भुज्यमान आयु जिसको हम भोग रहे हैं। जिसको भी आयु बंद हो चुका है उसको कभी मोक्ष नहीं होता
ये नियम है। तो पूर्ववर्त आगे होने वाले भव संबंधित आयु बंध जिसे नहीं हुआ है, ऐसे जीव के पास केवल भुज्यमान आयु होती है और वो भी मनुष्य आयु होती है। तो भुज्यमान आयु एक मनुष्य आयु और बद्यमान जो आयु बची थी वो उनको बंधी ही नहीं, तो अपने आप उनका अभाव हो गया, उसको अभाव नहीं करना पड़ा। इसलिए आयु कर्म के अर्थात तीन आयु कर्म का जो विनाश है, नरक आयु, तिर्यंच आयु और देवायु, इन तीन आयु कर्म का विनाश है, उसमें आत्म पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होने से उन्हें अयत्न साध्य निर्जरा कहा गया है या कर्माभाव कहा गया है। बाकी जो 60 प्रकृतियां हैं उन 60 प्रकृतियों के लिए यत्न करना पड़ता है। अब ये यत्न कैसे होता है, तो जैसे अनंतर पूर्व सूत्र की व्याख्या में हमने प्रतिपादित किया ही है कि चौथे पांचवे छठे अथवा सातवें गुणस्थान में दर्शन मोहनी की 3 और चारित्र मोहनी की 4, इस प्रकार 7 प्रकृतियों का विनाश होकर के क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। 63 में से 7 गए तो 56 बचे। अब इन 56 कर्मों का विनाश कैसे होता है अर्थात उनका क्रम क्या है, तो उस संबंधित लिखा है कि निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, त्यान वृद्धि, नरक गति, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये 16 कर्म प्रकृतियों का अनिवृत्ति बादर सांप्रा नामक गुणस्थान में नाश होता है। इसी गुणस्थान में 8 कषायों का भी नाश होता है। इसी गुणस्थान में नपुंसक वेद, स्त्री वेद भी विनाश को प्राप्त होते हैं। इसी गुणस्थान में 9 कषायों का नाश होता है। फिर पूवेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया का भी क्षय होता है। इस प्रकार 90 गुणस्थान की प्रक्रिया हुई। 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ का विनाश होता है। 12वें गुणस्थान के उपांत समय में, जैसा पूर्व में भी कहा जा चुका है, निद्रा और प्रचला इन 2 प्रकृतियों का विनाश होता है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय, ये 14 कर्म नष्ट होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 63 प्रकृति का नाश होता है और केवल ज्ञान होता है। 148 कर्म प्रकृतियां होती है, इसमें से 63 गई, बची 85। 85 प्रकृतियों में से कोई भी कर्म 13वें गुणस्थान में विनाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात 13वें गुणस्थान में 85 प्रकृतियों का सत्व था, वही सत्व लेकर यह जीव 14वें गुणस्थान में जाता है। 14वें गुणस्थान में दोनों वेदनियों में से कोई एक वेदनीय कर्म, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 5 बंधन, 5 संगात, 6 संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, 6 सहनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र, इन 72 प्रकृतियों का नाश 14वें गुणस्थान के उपांत समय में होता है। उपांत समय का अर्थ हमने पहले भी अर्थ कर लिया है, पुनः बताता हूँ, अंतिम समय से एक समय पूर्ववर्ती समय को उपांत समय कहते हैं। उस समय में 72 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है, शेष बची 13 प्रकृतियां
तो दोनों में से कोई एक वेदनीय मनुष्यायु मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदे यश कीर्ति तीर्थंकर और उच्च गोत्र इन 13 कर्म प्रकृतियों का विनाश 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है और उसी समय आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से बंध हेतु का अभाव हुआ और 148 कर्मों की निर्जरा हुई और जब संपूर्ण कर्मों का विनाश हो गया तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा सूत्रकार के द्वारा कहा गया। तो क्या केवल कर्मों के विनाश से मोक्ष होता है? तो आचार्य कहते नहीं। दूसरे अध्याय में औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक औदयिक पारिणामिक इन 5 भावों की चर्चा की थी। उनमें से कुछ भाव भी विनाश को प्राप्त होते हैं, उसका वर्णन कर रहे औपशमिकादि भव्यत्वानां च। औपशमिक भाव क्षायोपशमिक भाव औदयिक भाव ये 3 प्रकार के भावों को लेना है औपशमिक आदि शब्द से। और अभव्य तो गुणस्थानारोहण करता ही नहीं, पहले ही गुणस्थान में रहता है इसलिए उसकी चर्चा नहीं है। भव्यत्व भाव का भी विनाश हो जाता है अर्थात पारिणामिक भाव के हमने 3 भेद स्वीकार किए थे, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व। तो अभव्यत्व भाव तो उनमें था ही नहीं तभी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हुई। अब भव्यत्व भाव का भी विनाश हो जाता है अर्थात पारिणामिक भाव में केवल जीवत्व भाव बसता है और क्षयिक भाव बसते हैं। तो औपशमिक आदि भव्यत्वानां च औपशमिक आदि तथा भव्यत्व आदि भावों का विनाश होता है। अब यहाँ पर क्या करना है? विप्रमोक्षो मोक्षः ये चकार से लाना है अर्थात औपशमिक आदि भावों का और भव्यत्व भाव का विप्रमोक्ष होने पर मोक्ष होता है, ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। अब कोई ये समझे कि औपशमिक पहला भाव है, औपशमिक आदि कहने पर 5 भावों का अभाव हो जाएगा, इस प्रकार तो समस्या आएगी कि क्षयिक भाव भी नहीं बचेंगे। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। यहाँ जो केवल शब्द है यह आदि दीपक है, अतः इसको सम्यक्त के साथ ज्ञान के साथ दर्शन के साथ और सिद्धत्व के साथ लगाना है। तो अन्यत्र केवल सम्यक्त अर्थात सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, सम्यक दर्शन और दर्शन उपयोग दोनों में अंतर है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। सम्यक्त में श्रद्धा प्रकट होती है और केवल दर्शन द्वारा लोक अलोकवर्ती पदार्थों का अवलोकन होता है, तो ये दोनों में अंतर है। सम्यक्त मोहनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है और दर्शन दर्शनावरण कर्म के अभाव में प्रकट होता है, ये उन दोनों में अंतर है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो सिद्धों के विषय में कई सारे संदेह उत्पन्न हो सकते हैं। प्रश्न है कि क्षायिक भाव के 9 भेद किए गए थे, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। इस सूत्र के द्वारा आचार्य श्री ने बताया था कि 9 भेद क्षायिक भाव के होते हैं, क्योंकि कर्मों का क्षय हो गया है अतः वो भाव प्रकट हुए तो फिर सिद्धों में भी पाए जाने चाहिए, और यदि सिद्धों में भी पाए जाने चाहिए तो यहाँ पर केवल सम्यक्त्व 1, केवल ज्ञान 2, केवल दर्शन 3 और सिद्धत्व 4, ये 4 ही भाव लिए हैं, बाकी भावों का तो ग्रहण किया नहीं, तो क्या बाकी भावों का अभाव हो गया है? तो ऐसा कोई अर्थ ना हो अतः यहाँ पर एक और प्रक्रिया जानने योग्य है। जैसे अभी
पहले सूत्र की व्याख्या में मैंने केवलम शब्द का व्याख्यान करते समय कहा था कि अनंत सुख अनंत वीर्य ये ज्ञान के सहभावी है, अर्थात जहाँ जहाँ ज्ञान होता है अविनाभाव संबंध के द्वारा वो वहाँ वहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान लिखा हुआ है, तो ज्ञान होने से अनंत वीर्यत्व और अनंत सुख वगैरह भी गुण तो पाए जाएंगे, लब्धियां पाई जाएगी। तो ये सिद्धों में है कि नहीं है? है। तो क्या सिद्ध लब्धियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो जैसे अरिहंतों में दान लब्धि है, अतवे सृष्टि के असंख्य जीवों को ज्ञान दान देते हैं, लाभ लब्धि है, तो प्रति समय विशुद्ध परमाणु रूप जो नौ कर्म वर्गनाए हैं उनको वो प्राप्त होते हैं। भोग लब्धि है, अतः पुष्प वर्षा आदि होती है। उपभोग लब्धि है, अतः समोसरण की विभूति छत्रत्रय भामंडल सिंहासन आदि है। और अनंत वीर्य है जिसके कारण से वो खेत को प्राप्त नहीं होते, तो ये पांच लब्धियां है। इन पांच लब्धियों के लिए, उनमें से वीर लब्धि के लिए तो नहीं किंतु बाकी चार लब्धियों के लिए शरीर की आवश्यकता है, और सिद्धों में शरीर नहीं पाया जाता। अतः लब्धियों की अपेक्षा लब्धि है किंतु उपयोग की अपेक्षा लब्धियां नहीं है। मतलब स्टॉक में माल है, बिक्री में माल नहीं, ऐसा अर्थ करना है। उपयोग नहीं आ रहा है, गुण है। तो यहाँ जो सिद्धत्व शब्द है ये कोई एक गुण का नाम नहीं है। यहाँ पर सिद्धत्व शब्द अनंत अनंत गुणों का पिंड है, वरना बड़ा कठिन काम हो जाएगा कि अरिहंतों के पास नव लब्धियां है, नव केवल लब्धि रमाधरंत, और सिद्धों के पास आठ ही रह गई, कम हो गई जबकि अधिक होना चाहिए। तो ऐसा कहीं भ्रांत विचार ना बने इसके लिए पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं कि सिद्धत्व नाम का जो गुण है, उस सिद्धत्व नाम के गुण में आत्मा के स्वरूपस्थ जो अनंतानंत गुण है उन सभी का संग्रह हो जाता है, उन सभी के समूह का नाम ही सिद्धत्व है। तो इनका त्याग या इनका विप्रमोक्ष नहीं होता, ये आचार्य महाराज ने इस सूत्र द्वारा प्ररूपित किया है। उसके बाद क्या होता है? तो तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। तदनंतरम उसके बाद, अर्थात ये सारी प्रक्रिया होने के बाद मोक्ष कहाँ होता है? यही होता है, अर्थात पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष कहाँ हुआ? सुवर्णभद्र कूट पर हुआ, सम्मे शिखर पर्वत पर हुआ, सिद्धालय में मोक्ष नहीं हुआ, यहाँ मोक्ष हुआ। और यहाँ मोक्ष होने के बाद वे आलोकांतात, आ अर्थात पर्यंत, लोकांतात लोक के अंत, तो आलोकांतात लोक के अंत पर्यंत ऊर्ध्वम गच्छति ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात अन्य दिशाओं में गमन नहीं करते। आत्मा के जो स्वभाव है अधिकार दिए द्रव्य संग्रह में, उसमें एक है ऊर्ध्वगमन अधिकार। तो ऊर्ध्वगमन नाम का जो जीव में अधिकार है, जीव की शक्ति है, उस शक्ति के कारण से जीव ऊर्ध्व में ही गमन करता है, और वो गमन करने की शक्ति भले ही अनंत है किंतु वो आगे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका वर्णन स्वयं ग्रंथकार करते हैं। उसके पहले क्यों नहीं जाना ये उत्तर देने से पहले वो कहते हैं, एक नया प्रश्न अपन उपस्थित करते हैं कि भाई कर्मों का अभाव हो गया। देखिए गति नाम कर्म का उदय था तो गमन होता था, गमन होता था तो कभी वो मनुष्य गति में जाता था, कभी तिरंज गति में जाता था, कभी नरक गति में जाता था, कभी देव गति में जाता था। कर्म था, गति थी, जाता था। अब जब यहाँ कर्म नहीं है तो क्यों जाएगा, अर्थात उसको कौन ले जाएगा? कारण क्या है उसके गमन के? मतलब ऊर्ध्वम गच्छति, अकारण तो कार्य होता नहीं,
कार्य हमेशा कारण का अनुसरण करता है, तो फिर कारण क्या है? तो आचार्य महाराज पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंध छेदात् तथा गति परिणामाच्च, चार कारण है। पहला कारण पूर्व प्रयोग, दूसरा कारण असंग अर्थात परिग्रह रहित होना, तीसरा कारण है बंध छेद अर्थात बंध का अभाव, और चौथा कारण है तथा गति परिणाम अर्थात उस प्रकार का गति का उनका स्वभाव होने से। अब इसके लिए कोई उदाहरण, क्योंकि ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, तो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण है आवित्त कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालांबु वदेरंड बीज बदक निशिका वच्च। पहले तो हम पिछले सूत्र को यहां ले आते हैं और यहां उसको दूसरे अध्याय से एक सूत्र का अध्याहार करते, एक पद का, और वो था यथाक्रमम। दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र, वहां से हम यथाक्रमम ले आते हैं और वो यथाक्रमम यहां लगा देते हैं। तो पूर्व सूत्र में अर्थात छठे सूत्र में जो बताए गए वो चार कारण दिए हैं, और चार कारण के उदाहरण स्वरूप अर्थात उनको समझाने के लिए यहां उसके दृष्टांत दे रहे हैं। तो वहां चार कारण दिए, यहां चार दृष्टांत दिए, और अंत में चकार का प्रयोग किया। ये चकार यहां पर दो कार्य कर रहा है। पहला कार्य, क्योंकि छठे सूत्र में भी चकार है, सातवें सूत्र में भी चकार है, तो ये चकार दो कार्य कर रहे हैं दोनों ही स्थान पर। पहला कार्य, दोनों सूत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं अर्थात परस्पर संबंध को स्थापित कर रहे हैं, और दूसरा कार्य अपने विषय का उपसार कर रहे हैं। अर्थात चार ही कारण है, पांच छह सात या एक दो तीन नहीं है, ऐसा अर्थ करना है। तो चार ही कारण है और चार ही उदाहरण देना पर्याप्त है ये बताने के लिए चकार है, अर्थात जितना कहा है उनका संयोग करके विषय का समारोप करना, ये कार्य चकार के द्वारा हो रहे। तो हमने कहा था पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगात का अर्थ है पहले क्रिया हो रही थी, अब जब क्रिया को रोक दिया गया तो क्रिया एक साथ नहीं रुकती। अब उदाहरण आवित्त कुलाल चक्रवत, कुंभकार के द्वारा चलाया गया चक्र, तो कुंभकार क्या करता है, हाथों से चक्के को चलाता है, चक्का घूमता है और मिट्टी धीरे धीरे अपने अलग अलग रूप धारण करते हुए घड़े तक पहुंचती है। अब जब प्रयोजन पूरा हो गया तो कुंभकार ने अपने हाथ से चक्का घुमाना बंद कर दिया। चक्र घुमाने की प्रक्रिया भले ही कुंभकार के द्वारा बंद हो गई हो, लेकिन चक्र की पूर्व गति थी, अर्थात चक्र पूर्व में गोल घूम रहा था, अर्थात पूर्व प्रयोग था, उस पूर्व प्रयोग के कारण चक्र एकदम बंद नहीं होता, कुछ राउंड और लेता है। तो जैसे कुंभकार का चक्र पूर्व प्रयोग के कारण से गति परिणत होता है, वैसे अनादि काल से गति परिणत होने वाला जीव अचानक गति बंद होने के, मतलब गति नाम कर्म का अभाव होने के बाद भी गति बंद को प्राप्त नहीं होता, वो कुछ काल तक गमन करता है। तो पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने दिया था बंध छेदात, बंध का छेदन असंगत्वात, दूसरा कारण दिया असंगत्वात, संग अर्थात परिग्रह या लेप ये नष्ट हो गया है, तो कर्म का जो परिग्रह था, कर्म का जो लेप था आत्मा पर, वो निकल गया, क्योंकि हमने कहा कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, संपूर्ण कर्मों का विनाश होने को मोक्ष कहते हैं। तो असंग होने से, अब इसके लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे व्यपगत लेपालांबुवत, व्यपगत लेप आलांबुवत, व्यपगत अर्थात विनष्ट हो गया है, क्या नष्ट हो गया है, लेप किसका, आलांबु अर्थात तुमड़ी, तुमड़ी पर मिट्टी लगा दी
और मिट्टी लगाने के बाद उस तुमड़ी को पानी में डाल दिया तो तुमड़ी पानी में डूब जाएगी। फिर क्या होगा, पानी के संयोग से वो मिट्टी का लेप धीरे 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 हट जाएगा, और जब मिट्टी का लेप पूर्णतया हट जाएगा तो वैसे वैसे वो तुमड़ी अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो जैसे असंग होने से अर्थात लेप के संगति से रहित होने से तुमड़ी स्वयं ऊपर आती है, ये उसका स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार असंग होने पर अर्थात कर्म रूपी संगति से रहित होने पर आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करता है। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण दे रहे बंद छेदात, बंद का छेद होने से, और उसका उदाहरण दे रहे एरंड बीजवत। जैसे ही एरंड के बीज को ऐसे खोलते हैं तो बीज ऊपर की ओर उठता है, जैसे उसके ऊपर का छिलका हटाते हैं। तो जैसे एरंड का बीज स्वभाव से ऊपर जाता है, वैसे आत्मा बंद का छेदन होने से स्वभावतः ऊपर जाता है। और चौथा है तथा गति परिणामाच्च, गति परिणत होना जीव का स्वभाव है। जैसे अग्निशिखावच्च, अग्नि कोई दीपक लगा लीजिए और उस दीपक को उल्टा भी कर दो तो अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाएगी। तो जैसे अग्नि की शिखा का स्वभाव से ही ऊपर गमन करना स्वभाव है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का ऊर्ध्व गमन करना स्वभाव है। इस कारण से आत्मा ऊर्ध्व में ही जाती है, अधो में नहीं जाती, दिशाओं में नहीं जाती, विदिशाओं में नहीं जाती। तिर्यक में दिशा विदिशा मिलकर 8 दिशाएं होती है, अधो में 1 दिशा होती है, 9 दिशा में न जा करके ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, इस नियमानुसार केवल ऊर्ध्व गति ही गमन शुद्ध जीव का होता है। तो महाराज ऊर्ध्व गति गमन जब जीव का हो गया तो ऊर्ध्व गति तो लोकाकाश के बाहर भी है, और भी ऊपर है लोकाकाश के ऊपर आकाश, वहां तक जाना चाहिए कि आत्मा में शक्ति का अभाव है। बोले आत्मा में शक्ति का अभाव नहीं है, गमन करने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य, और धर्म द्रव्य लोक के अंत तक ही पाया जाता है। आचार्य महाराज बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काय का अभाव होने से आत्मा लोकाकाश के अंत के मतलब आलोकांतात कहा था ना, तो आलोकांतात कहने के बजाय कह देते अलोकांत में भी जाती है तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, तो गति परिणत जीव और पुद्गल को गमन करने में सहयोगी द्रव्य होता है धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना अनंत शक्तिशाली आत्मा गमन नहीं कर सकता, अतः गमन करने वाले द्रव्य का अभाव होने से आगे आत्मा नहीं जाता है, ये इसका अर्थ हुआ। अब महत्व का विषय है, क्या सिद्धों में भी कोई भेद पाया जाता है? तो आचार्य महाराज कहते हाँ, व्यवहार ने सिद्धों में भी भेद करता है। तो फिर वो भेद किनके कारण से होते हैं? तो आचार्य महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्यालप बहुत्वतः साध्याः। इसमें क्षेत्र 1, काल 2, गति 3, लिंग 4, तीर्थ 5, चारित्र 6, प्रत्येक बुद्ध 7, बोधित बुद्ध 8, ज्ञान 9, अवगाहना 10, अंतर 11, संख्या 12 और अल्प बहुत्व 13। ऐसे 13 भेद किए हैं। कुछ आचार्यों ने 13 न करके 12 भेद किए हैं। तो 12 में उन्होंने क्या किया, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध इन दोनों को एक में ले लिया। तो जब दो लेंगे तो 13 हो जाएंगे, और दो न लेकर के एक करेंगे तो 12 हो जाएंगे। सूत्र यही रहेगा, अर्थ यही बनेगा। 13 होने के लिए प्रत्येक बुद्ध को अलग लिया है, बोधित बुद्ध को अलग लिया है। 12 होने के लिए बुद्ध शब्द दो के साथ लगाना है, प्रत्येक और बोधित, इसलिए सूत्र में एक रखा है। तो हम दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, 13 अनुयोग द्वार या 12 अनुयोग द्वार। इस प्रकार से दोनों अनुयोग द्वारों से हम इसको करके अर्थ कर सकते हैं। तो हम 13 की अपेक्षा ही यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट बता दूं, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि टीका में 12 अनुयोग द्वार कहे, उन्होंने स्पष्ट कहा क्षेत्रादिभिर
द्वादश भी अनुयोगी ही सिद्धा साध्या विकल्प्या इत्यर्थ। साध्या का अर्थ भेद करना योग्य है या भेदों की साधना सिद्धि करनी चाहिए, और उन्होंने द्वादश भी अनुयोगी ही ये स्पष्ट रूप से 12 किया है। तो जब भी 12 किया, मैं पुनः बता रहा हूँ, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध को एक करके 12 भेद किए हैं। तो हम भेद कर लेते, क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र से मोक्ष होता है, तो सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष होता है, सरल सरल उत्तर है। किंतु आगे चर्चा करते तो अतीत नय की अपेक्षा से कर्म भूमियों में होते हैं, और यदि कोई अपहरण करके ले जाए मुनिराज का, तो कर्म भूमियों के अतिरिक्त भोग भूमियों में समुद्र आदि में भी मोक्ष हो सकता है। काल, काल की अपेक्षा वर्तमान काल के एक समय में मोक्ष होता है, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा की जाए तो कोई उत्सर्पिणी काल में मोक्ष जाता है, कोई अवसर्पिणी काल में मोक्ष जाता है। उत्सर्पिणी काल में भी कोई सुषमा दुष्मा में जाता है, कोई दुष्मा में जाता है, इस तरह के और भी भेद है। और उस अपेक्षा से सिद्धों में भी भेद है। पहली बात, सिद्धों में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, वो भेद हमने अतीत की अपेक्षा किए हैं, अर्थात पूर्व पर्याय की अपेक्षा किए, और कई बार तो पूर्व पूर्व पर्याय की अपेक्षा से किए, हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तीसरा है गति, तो सिद्ध गति से ही होती है। अतीत की बात करें तो मनुष्य गति से होती है, और अतीत अतीत की बात करें तो चारों गति से मोक्ष होता है, क्योंकि नरक से आकर के महापद्म तीर्थंकर होंगे, मोक्ष जाएंगे, सर्वार्थ सिद्धि से आकर के आदिनाथ हुए, मोक्ष गए, और इसी तरह तिरंज गति से आकर के भी जीव मनुष्य बनकर के मोक्ष जाता है, और मनुष्य गति से आकर के मनुष्य बनकर के मोक्ष जाने वाले सुदर्शन मुनिराज का वर्णन आता है। तो चारों गतियों से आकर के मनुष्य गति को प्राप्त करके मनुष्य से मोक्ष जा सकते हैं, इसलिए पूर्व पूर्व गति की अपेक्षा चारों गति, पूर्व गति की अपेक्षा मनुष्य गति, और वर्तमान गति की अपेक्षा सिद्ध गति से सिद्ध बनते हैं। लिंग, लिंग शब्द से यहाँ भाव लेना है, शरीर नहीं। तो लिंग शब्द से यहाँ जब भाव लेंगे तो नियम से अवेद भाव अर्थात अलिंग से मोक्ष होता है, किंतु उससे पूर्व में वो द्रव्य से पुरुष था, भाव से स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक तीनों में से कोई एक था, अतः तीनों ही लिंग से मोक्ष होता है। फिर तीर्थ, तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध के भेद से तीर्थ के दो भेद हैं। तो बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध होना और तीर्थंकर होकर सिद्ध होना, तीर्थंकर के काल में सिद्ध होना और तीर्थंकर के काल में सिद्ध नहीं होना, इस प्रकार से जो भेद पाया जाएगा उसको तीर्थ सिद्ध कहते हैं। चारित्र सिद्ध, तो नियम से नाम रहित चारित्र से मोक्ष होता है। फिर यदि बात करें तो यथाख्या चारित्र से मोक्ष होता है, और यदि पूर्व से पूर्व अपेक्षा बात करें तो कोई सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख संप्रा और यथाख्यात चारित्र पूर्वक मोक्ष को प्राप्त करते। कोई ऐसे मुनिराज भी है जो सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात इन चार चारित्रों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध जो परोपदेश के बिना स्वयं वीतराग मार्ग को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं, और जो परोपदेश को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं उनको बोधित बुद्ध कहते हैं। अतः परोपदेश की अपेक्षा और परोपदेश की अपेक्षा न रखते हुए ऐसे सिद्धों के दो भेद होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा सिद्धि कहे तो नियम से केवल ज्ञान से ही सिद्धि होती है, लेकिन केवल ज्ञान से पहले किसी को मति श्रुत ज्ञान था, किसी को मति श्रुत अवधि ज्ञान था, किसी को मति श्रुत मन परे ज्ञान था, किसी को मति श्रुत अवधि और मन परे, ये चारों ज्ञान थे। इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा से सिद्धों में भेद पाए जाते हैं। अवगाना की बात करें तो उत्कृष्ट अवगाना है 525 धनुष, जघन्य अवगाना है 3.5 हाथ, और मध्यम अवगाना कुछ भी हो सकती है। उस अवगाना के कारण से भेद पाए जाते हैं।
यदि संख्या की अपेक्षा बात करते तो जगन्य में एक जीव मोक्ष जाता है, उत्कृष्ट से 108 जीव एक समय में मोक्ष जाते हैं और मध्यम की बात करें तो 2 से लेकर 107 पर्यंत जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो कितने जीव एक साथ मोक्ष गए उनकी संख्या की अपेक्षा से इनमें भेद पाया जाता है। और अंतिम में अल्प बहुत अंतर बचा है, अंतर कितना अंतर हुआ एक सिद्ध से दूसरा सिद्ध होने में, विरह काल को अंतर कहते हैं, उसकी अपेक्षा से भेद हो सकता है। और अल्प बहुत्व, अल्प यानी थोड़ा, बहु यानी अधिक, त्व यानी स्वरूप, अल्प स्वरूप कहना या बहु स्वरूप कहना। जैसे मैंने कहा कि कर्म भूमि सिद्ध अधिक होते, भोग भूमि सिद्ध कम होते हैं, तो यहाँ हमने कम बताया। इसके अतिरिक्त को भोग भूमि सिद्ध कम होते और कर्म भूमि सिद्ध अधिक होते थे, यहाँ बहुत्व बताया। तो परस्पर तुलना करते हुए क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, गति की अपेक्षा, सभी की अपेक्षा करते हुए कम और अधिक को बताने की जो प्रक्रिया है उसको अल्प बहुत्व कहते हैं। इस अपेक्षा से सिद्धों में भी भेद किए जाते हैं। इस प्रकार 9 सूत्रों के द्वारा ये 10वां अधिकार आचार्य श्री ने पूर्ण किया है। इति मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। इस प्रकार मोक्ष शास्त्र का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब एक सूचना है, प्रायः करके जितनी तत्वार्थ सूत्र की पुस्तकें मिलती है, मतलब पाठ की, उसमें मंगलाचरण के बाद कुछ पद्य पाए जाते हैं और 10वें अध्याय के बाद कुछ पद्य पाए जाते हैं। वो सब तत्वार्थ सूत्र के महत्व को दर्शाने वाले सूत्र है, उसका संबंध तत्वार्थ सूत्र से नहीं है, अर्थात मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ है और 10वें अध्याय में जाकर के इति 10वां अध्याय करके सूत्र पूरा हुआ है। बाद में जो सूत्र है जैसे दशाध्याय परिच्छिन्न तत्वार्थे पठते सति फलम स्यादु उपवासस्य भाषतम मुनि पुंगवै, ये जो ग्रंथ है इसको पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है, इत्यादि और भी जो पद्य है वो महत्व को बताने वाले संग्रहित पद्य है। पाठ करते समय हम उनका पाठ करते हैं, ये शुभ है, लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र का अंग नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ की वाचना पूर्वी सर्वज्ञ भगवान के परम प्रसाद से जो ज्ञान प्राप्त हुआ गणधर परमात्मा को, वो परंपरा के क्रम से मुस्तक आता रहा। ये सब सर्वज्ञ का वचन प्रभाव है, दिव्य ध्वनि प्रभाव है, अतः मैं उनके श्री चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शत शत नमन करता हूँ। जिन गणधरों ने, प्रति गणधरों ने, श्रुत केवियों ने इस ज्ञान परंपरा को श्रुत परंपरा के रूप में आगे बढ़ाया, उन समस्त तत्ववेत्ताओं को और विशुद्ध चारित्र धनी उन समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार हो। माँ जिनवानी जो भाव श्रुत में विद्यमान थी, आज द्रव्य श्रुत के रूप में भी विद्यमान है, उस माँ जिनवानी को मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए शत शत नमन करता हूँ। जिनकी असीम कृपा से आचार्य कुंदकुंद महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक ज्ञान इस तत्वार्थ सूत्र के रूप में रचित हो गया, निबद्ध हो गया, ऐसे आचार्यों के आचार्य जिन्हें स्वामी विशेषण प्राप्त है, उन उमा स्वामी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन शास्त्रों को पढ़ करके मैं तत्वार्थ सूत्र का विवेचन करने में समर्थ हुआ, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति, योगदेव वृत्ति, तत्वार्थ सार और अन्य अन्य ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों को मैं शत शत नमन करता हूँ और उनके लेखक, उनके रचयिता समस्त आचार्य परमेष्ठियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके प्रसाद से हमारी मुनि परंपरा का जन्म हुआ, ऐसे आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। जिनकी ज्ञान की अथाह गंगा से वर्तमान के समस्त संग उपकृत हुए, ऐसे आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज जिन्होंने अपने गुरु की पट्ट परंपरा को विशुद्ध रीति से परिपालन किया, मैं उनको सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ।
जिन्होंने मुझे निर्ग्रंथ पद दिया, निर्ग्रंथ पद के साथ ज्ञान का मार्ग दिया, ज्ञान के मार्ग के साथ जिन्होंने अपना स्वयं का पद मुझे देकर उपकृत किया, ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज को मैं शत शत नमन करता हूँ, जिनकी कृपा प्रसाद से मुझे शास्त्र के अध्ययन की विधि प्राप्त हुई, जिन्होंने कुविधि को सुविधि बनाने का प्रयत्न किया, ऐसे आचार्य श्री हेमसागर जी महाराज जिन्होंने शिक्षा भी दी, छुल्लक अलग दीक्षा भी दी और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने लायक उपदेश भी दिए, उनके समस्त उपकारों का स्मरण करते हुए मैं उन्हें सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक शत शत नमन करता हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, अतः जिनवाणी का पठन पाठन करते समय अक्षर मात्रा स्वर आदि संबंधित अर्थात व्याकरण संबंधित कोई दोष हुआ हो तथा यदि व्याख्यान में शास्त्र विरोधी कुछ बोला गया हो तो माँ जिनवाणी मुझे क्षमा करे, जिनेश्वर मुझे क्षमा करे, गुरुजन मुझे क्षमा करे और मेरे इन दोषों को दूर करके मुझे ज्ञान प्राप्ति में साधन बने। जिन गुरुओं के प्रसाद से मैंने ये सब पढ़ा है उन सभी गुरुजनों का मैं पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए वंदन करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, आप लोगों ने इस तत्वार सूत्र का श्रोता बन करके मेरे ज्ञान के रिवीजन में सहयोग प्रदान किया है, अतः मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आप सभी का ज्ञान वृद्धिंगत हो और वो आपका ज्ञान मोक्ष मार्ग में आपकी प्रगति में साधन बने, ऐसा ही मैं सदाशय धारण करता हूँ। देव शास्त्र गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानमय बातों को आत्मसात करने के लिए शिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि शिवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।